तो दोस्तों अभी हम जंग लगे नट बोल्ट को कैसे खोलते हैं इस विषय पे आज का वीडियो है, क्योंकि काफ़ी हमारे पास ऐसा ऐसा ट्रिक है जिसे मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। तो जंग लगे नट बोल्ट को कैसे खोलें इसके लिए बहुत सारे हमारे पास जुगाड़ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और कैसे खोलता हूँ इसे मैं करके दिखाता हूँ, ताकि आप भी इस तरह के काम को आसानी से कर सकें। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहेंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तभी इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास इस तरह की मशीन है, तो इसमें सारा कुछ जंग लगा हुआ देख सकते हैं, और इसे हम कुछ कुछ नहीं लगभग दो तीन नट को भी आपको हम खोल के दिखाएंगे नट बोल्ट को कि हम किस तरह से खोलते हैं। तो इसे खोलने के लिए हमने इस तरह से ले लिया हार्पिक, ये देख सकते हैं, कहीं पर इसे हम हार्पिक भी लगाएंगे, और इस तरह का हमने ले लिया केरोसिन तेल देख सकते हैं। यदि आपके पास केरोसिन तेल ना हो, हार्पिक ना हो, तो आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, थिनर भी ले सकते हैं, या पानी भी ले सकते हैं। तो हमें तो सबसे बेस्ट लगा दोस्तों इस तरह का मिट्टी तेल, चूँकि हमें सब जगह अवेलेबल है, मिल ही जाते हैं, और नहीं मिलते हैं शहर में तो इस तरह का आपको हार्पिक मिल ही जाएंगे। तो हमें इसे खोलने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे रिंच पत्थर देख सकते हैं, तो फटाफट हम इसे खोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह का किरोसिन तेल इसमें थोड़ी सी ले लेते हैं, ये देख सकते हैं। अब किरोसिन तेल को हम एक ब्रश की सहायता से यहाँ पे लगा देंगे। तो हमने इस तरह का ब्रश लिया, छोटा ब्रश, ये देखिए, यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। जहाँ जहाँ हमारा नट बोल्ट है हम सभी जगह इस तरह से लगा देंगे, ताकि हमारा खुलते रहेगा और खोलने में हमें आसानी मिलेगा। इस तरह से केरोसिन का तेल दे देने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरह से यहाँ पे केरोसिन तेल दे दिया, अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, पहला तरीका जो है इस तरह का हम छेनी लेंगे देख सकते हैं, और इस छेनी पे यहाँ पे हम चोट करेंगे हल्का हल्का, और इस तरह का हमने हैमर भी ले लिया है देख सकते हैं, ऐसा हल्का हल्का भी हम चोट करेंगे। तो इस तरह से हमारा चोट करने पर यह खुल गया। अब हम इसे इस तरह की रिंच की सहायता से खोल लेंगे इसे, इसमें हमारा लगना है 11 नंबर, तो ये हमारा 12 नंबर है, इससे भी हमारा काम चल जाएगा 12-13 नंबर से। ये हमारा राउंड हो रहा है इधर से, ये देख सकते हैं, तो हमें इसे पकड़ बनाना होगा पहले इधर से। इधर हमारा जाम हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये राउंड हो जा रहा है, ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे राउंड हो जा रहा है। तो इधर हमें पकड़ बनाना होगा ताकि हमारा घूमे ना। इस तरह का हमने एक ले लिया गोटी रिंच, और इसे इस तरह से फंसा लेते हैं, और इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, ये देख सकते हैं। ये हमारा खुल रहा है, हम थोड़ा कम साइज का लेंगे गोटी रिंच, हम इस तरह का 12 नंबर का भी लिए, हाँ
अब इसे हम खोल कर देखते हैं। काफी दिनों से रखा रखा, या मुझे लगता है बहुत दिनों से यह रखा मशीन, इसलिए पूरी तरह से जंग लग चुका है। तो हम इसे इस तरह से खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस तरह से इसे राउंड कर रहे हैं। मैं अभी आपको हर एक पोजीशन से इस तरह के नट को खोलने का ट्रिक बताऊंगा। अभी मैंने पहली बार तो छेनी के द्वारा दिखाया कि कैसे खोलेंगे, छेनी और केरोसिन तेल के द्वारा इस तरह से भी हम इसे खोल रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा खुल रहा है। काफ़ी जाम है दोस्तों, काफ़ी दिनों से, इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से खुल चुका नट, देख सकते हैं। तो हम इस नट बोल्ट को हम अभी अच्छे तरीके से रखेंगे अपने पास, क्योंकि यह हमें और भी काम में आ सकता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका से खोल के दिखाता हूँ। यह देख सकते हैं यह भी पूरी तरह से जाम है, ये देख सकते हैं यह हमारा टस नमस हो रहा है इस तरह का रिंच से। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से हथौड़ा और एक छेनी लेंगे और इसे हल्का हल्का पीट देंगे। ये देखिए इस तरह से हम पीट देंगे। पीटने के बाद इसका जो घाट है वह ढीला हो जाएगा। अब हम इसमें रिंच चला के देखेंगे कि हमारा यह खुलता है या नहीं। यह हमारा दूसरा तरीका है। इस तरह से हम गोटे रिंच ले लिए हैं और इसे खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यह हमारा आसानी से खुल गया। ये देखिए यह हमारा तरीका नंबर दो हुआ, इस तरह से हमारा खुल गया। तो अभी तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि कोई कोई जाम नट नहीं खुले, तो इस तरह का छेनी लेंगे और छेनी से जाम नट के बीच में हम मारेंगे इस तरह से। अब मारेंगे और इसे हल्का हल्का कट कर देंगे दोस्तों, इस तरह से हल्का हल्का कट कर देंगे। इतना कट कर देंगे कि हमारा पेचकस इसमें आसानी से चला जाए। इस तरह का पेचकस लिए हैं और इसे इस तरह से हम खोल लेंगे। हाँ बोलिए। तो इस तरह से यहाँ पे कट करने के बाद हम इस तरह से प्राप्त होता है दोस्तों, देख सकते हैं। इस तरह से हमने हथौड़े से मार के इसे कट कर दिया है और इसे हम आसानी से इस तरह से खोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम जाम नटों को, यह हमारा तीसरा तरीका है जिसके द्वारा हम खोल रहे हैं। ये देख सकते हैं इसे कट कर दिया है, यह हमारा नट खराब भी नहीं हुआ और यह फिर से हम इसे लगा सकते हैं। और कहीं कहीं हमें इस तरह से जाम नट मिलते हैं, देख सकते हैं। तो इसे भी हम एक अलग तरीका से इसे हम खोलेंगे, जिसके लिए हमने इस तरह का हार्पिक ले लिया है और कुछ हार्पिक हम इस पर रखते हैं, देख सकते हैं कटोरा पे, ठीक है। यहाँ लेने के बाद हम एक ब्रश लेंगे इस तरह से, अब ब्रश के द्वारा हार्पिक को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट हम इस तरह से छोड़ देंगे इसे। उसके बाद यह अपना काम कर लेगा
जो भी डस्ट फर्स्ट है सभी को ख़त्म कर देगा। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और देखते हैं हमारा खुलता है या नहीं। इस तरह डाल देते हैं, तो जितने भी बोल्ट आप देख सकते हैं हम चारों बोल्ट में कर रहे हैं इस तरह से। यह भी अच्छी तरह से जो गंदे जंग को काटने में बहुत ही सहायक होता है यह हमारा हार्पिक। इस तरह से हार्पिक लगा दी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी से लवरेज है, इसे अंत तक देखें। और जो भी जानकारी एक बार देखने के बाद आपको दोबारा इस तरह का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सारे ट्रिक के द्वारा इस तरह के जंग लगे जाम लगे नटों को खोलने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह थोड़ी सी लंबा होगा, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह भी हम इसे डाल दिया हार्पिक को और कुछ देर छोड़ देते हैं। तो लगभग ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, तो अब हम इस तरह का रिंच लिए 13 नंबर का, उसे खोल कर देखते हैं। तो यह देख सकते हैं आप, यह हमारा आसानी से खुल रहा है, ये देखिए। इसे भी देखते हैं, यह भी हमारा एकदम आसानी से खुल रहा है। इस तरह का आप हार्पी लगाए हैं तो इस तरह के हाथों से नहीं छुए खुले हाथों से, क्योंकि आपके हाथ को ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह हम हार्पिक से भी नट को खोल सकते हैं। और यह हमारा नट कितना साफ होगा दोस्तों, हम इसे कुछ देर यहाँ पर डाल के देखते हैं और कुछ देर बाद हम इसे पूरी तरह से साफ़ होने देते हैं और निकाल कर देखेंगे हमारा कितना यह हार्पिक सफाई करता है। कभी कभी इस तरह के जाम नट मिलते हैं हमें, तो इसे कैसे खोलेंगे दोस्तों, यह मैं अभी आपको चौथा या पांचवा तरीका बता रहा हूँ इसे कैसे खोलना है। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, अंत तक बने रहें, जब तक हमारी पूरी तरह से वीडियो समाप्त ना हो। इसे खोलने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी किरोसिन तेल हम दे देते हैं इस तरह से, जो कि हमने पहले ही ट्रिक में आपको बताया था। इस तरह से दे देते हैं, इस तरह से थोड़ी सी दे देते हैं, कुछ देर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से दे दिए हैं, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का रिंच ले लेंगे और इसे यहाँ पे डालेंगे। तो देखते हैं यह हमारा खुलता है ना, इस तरह से हमारे राउंड कर जा रहा है। तो स्थिति से में एक पेचकस ले लेंगे हम और इस तरह से लगा लेंगे, ये देखिए, और इसे हम घुमाएंगे। देखिए हमारे आसानी से खुल गया, यह तो हम इसे हाथ से भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से तेल हार्पिक से हम बड़े बड़े नटों को खोल सकते हैं। कभी कभी हम इस तरह का जंग लगा नट बोल्ट मिलता है तो इसे कैसे खोलेंगे दोस्तों, जिसके लिए एक हथौड़ा ले लेंगे हम और एक दो हथौड़ा, और इसे हम हल्का हल्का यहाँ पे चोट करेंगे इस तरह से। चोट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का रिंच ले लेंगे हम, इस तरह का एक और रिंच ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से हमारा आसानी से फिर खुल जाएगा हमारा। तो कुछ कुछ जाम नटों को हम इस तरह के ग्लेंडर से भी कटिंग करते हैं दोस्तों। यह हमारा पांचवा तरह का ट्रिक है, आप देख सकते हैं ऐसे हमारा जाम हो गया है, इसे हम ग्लेंडर की से कटिंग करके देखते हैं।
इस तरह से देख सकते हैं, अच्छा इस तरह देख सकते हैं हमारा यह नट। हम इसे इस तरह से भी काट लेते हैं। यदि एकदम जाम नट है तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं। ये देख सकते हैं यह काफ़ी गर्म है, इसीलिए मैं इसे छू नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह का भी आप उपयोग में ला सकते हैं। ध्यान रहे चश्मा जरूर लगा लें, हाथों में दस्ताना भी जरूर लगा लें, तभी इस तरह का काम आप करें। इस तरह के कुछ कुछ जाम बोल्ट होते हैं, इसे भी हमें खोलना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस तरह के एक हथौड़े लेंगे और दूसरा इस तरह से, और इसमें बीच में इस तरह से दबा देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से दबाने के बाद में हम एक सिलाई रिंच लेंगे। ये देख सकते हैं, और इसे हम खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से जाम बोल्ट को भी हम इस तरह से खोल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये टाइट हो रहा है, ये खुल रहा है। तो काफ़ी तरीके से हम जाम जो हमारा बोल्ट है उसे खोल सकते हैं। ये हमारा खुल गया। इस तरह दोस्तों आप अनेक तरह से जाम, जंग लगे, नट बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।